सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड ने सनसनीखेज खुलासा कर सबको हैरान कर दिया है। ये है सौम्या अली। 90 के दशक में सलमान और सौम्या अली की जोड़ी खूब जमती थी। पाकिस्तान की रहने वाली सौम्या अली के साथ सलमान के अफेयर के किस्से इतने चले थे कि एक वक्त ऐसा लगा था जब दोनों निकाह कर लेंगे, लेकिन बाद में सौम्या का सलमान से ब्रेकअप हो गया और वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सलमान को दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान से ही सौम्या अली ने सबको हैरान कर देने वाला बड़ा खुलासा किया है। सौम्या ने पेपिंग मून नाम की वेबसाइट के साथ बात करते अपने बचपन से जुड़े 3 किस्से सुनाए जो कि बेहद दर्द से भरे हैं। आपको बता दें कि सौम्या अली पाकिस्तान में एक मोर टीयर्स नाम से एक एनजीओ चलाती है और उन बच्चों की मदद करती है जो सेक्सुअली अब्यूज या रेप के शिकार रहे हैं। खुद अपनी आप बीती सुनाते हुए सौम्या अली ने अपने बचपन के जो किस्से बताए वो काफी हॉरिफिक है। सौम्या के मुताबिक उनके साथ 5, 9 और 14 साल की उम्र में 3-3 बार सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ। सौम्या ने यह भी कहा कि उनके साथ बचपन में एक बार रेप भी हुआ और उस समय उनके परिवार ने आरोपी के खिलाफ एक्शन भी लिया, लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने को कही और हमेशा चुप रहने को कहा। सौम्या के मुताबिक लंबे समय तक राज उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो हमेशा सोचती थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है जो वो इस बात को छिपाए। आखिर 3 साल पहले सौम्या अली ने इस बारे में खुलकर बात करना शुरू किया और बकायदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो ऐसे बच्चों को मेंटली और फिजिकली मदद कर सके। सौम्या के मुताबिक वो आज भी बचपन में अपने साथ हुए हादसा याद करके कांप जाती है। सौम्या के साथ सेक्सुअल अब्यूज के मामला उन्हीं के घर के सर्वेंट क्वार्टर में हुआ था। सौम्या वैसे सभी मामलों को लेकर काफी एक्टिव है और बिना किसी शर्मिंदगी और बेबाक के साथ हर मुद्दे पर खुलकर बात करती है। आपको बता दें कि 1992 से लेकर 1997 के बीच सौम्या अली ने करीब 7 से 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।